अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस कमाल शाही एंड यू आर वाचिंग टिक्स बैंक चैनल। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल शॉर्टकट शेयर करता हूँ जो एमडी गेट से रिलेटेड है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोपाइल इफेक्ट एंड बेंजीन रिंग पार्ट टू। पार्ट वन इससे पहले मैंने अपलोड किया था, मैंने ये स्टार्ट किया था कि लेट सपोज बेंजीन रिंग है, उसके साथ एक इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो गया तो उसका इलेक्ट्रोपाइल का बेंजीन रिंग पर क्या इफेक्ट होगा। एक होता है ओरिएंटेशन इफेक्ट या डायरेक्टिंग इफेक्ट, दूसरा होता है रिएक्टिविटी इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने उस पार्ट में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे तो चैनल में विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी इफेक्ट। क्या रिएक्टिविटी इफेक्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के लिए, बार बार इससे एमसीक्यूज आता है हर टेस्ट में। तो रिएक्टिविटी इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके पास एक इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो गया तो इस रिंग का जो रिएक्टिविटी है वो इनक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मतलब इस इलेक्ट्रोपाइल का इस बेंजीन रिंग पर क्या इफेक्ट है। पहले हमने ये वाला तो डिस्कस किया है कि ओरिएंटेशन कब होगा, आर तो पेरा होगा मीठा, अब हम रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज मैंने पहले बताया था कि E1 अगर हमारे पास E1 के साथ किया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये E1 हमारे पास क्या होगा, अर्थो पेरा डायरेक्टर। जब अर्थो पेरा डायरेक्टर हो गया तो ये रिएक्टिविटी क्या करेगा, इनक्रीज करेगा। बेंजीन रिंग का जो रिएक्टिविटी है वो क्या करेगा, इनक्रीज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप माइंड में रख ले। ठीक है, अगर E1 हमारे पास ऐसा कंपाउंड यानी मतलब ऐसा एलिमेंट जो भी अटैच हो जाए जो उसके पास हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर हमारे पास ये होगा मीटा डायरेक्टर। ये तो मैंने बताया था कि मीटा डायरेक्टर कौन होगा और अर्थो कौन होगा, आप लोग वो वीडियो देखे। मीटा डायरेक्टर होगा और ये रिएक्टिविटी हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्ट में आता है। ठीक है, तो ये कैसा इंक्रीज करेगा, कैसा डिक्रीज करेगा, इसकी सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल कंसेप्ट ये है, लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, लेट सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अब इस बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा इलेक्ट्रोपाइल अटैच हो गया, ऐसा इलेक्ट्रोपाइल यहाँ पर अटैच हो गया E1, इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को देगा, तो हमारे पास इस तरह बन जाएंगे। ठीक है, E1 यहाँ पर, अब मैंने बताया था कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में सर्कुलेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है, यहाँ पर सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अर्थो पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब जब E2 इलेक्ट्रोपाइल आएगा तो यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज़्यादा हो ना, तो ये E2 हमारे पास जब आएगा तो ये यहाँ पर मतलब इस कंपाउंड पर अटैक करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, मतलब इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगी इसकी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर E1 के साथ लोन पेयर है तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अब हम आते हैं दूसरे साइड, लेट सपोज E1 जो है मतलब E1 हमारे पास अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ये यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐसा बन जाएगा, E1 यहाँ पर अटैच हो गया, इसके पास लोन पेयर पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बेंजीन रिंग से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये है कि E1 जहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस लेता है। ठीक है, तो
ई1 ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ पर देखें, लेट सपोज हमारे पास एक सेकंड इलेक्ट्रोपाइल आता है और ये दो कंपाउंड उसके सामने रख दे, तो ये सेकंड इलेक्ट्रोपाइल ये न्यूट्रल वाले प्लेस पर मतलब अटैक करेगा ये पॉजिटिव चार्ज पे। इलेक्ट्रोपाइल ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये न्यूट्रल वाले पे अटैक करेगा ना, यहाँ पर ऑलरेडी तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वगैरह की कमी और ज़्यादा है, डिफिशेंसी है, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये है रिएक्टिविटी सबसे पहले इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा होगा, फिर इसकी। तो सिंपल ये है, हम इस तरह कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी हमारे पास जो है, अगर E1 के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और वो बेंजीन रिंग से के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सिंपल बेंजीन रिंग से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सिंपल बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी E1 के साथ अगर लोन पेयर नहीं है तो इससे ज़्यादा होगी, ये हमारे पास रिएक्टिविटी आर्डर हो गया। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर E1 के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये अर्थो पेरा डायरेक्टर होगा, और जब ये अर्थो पेरा डायरेक्टर होगा तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अगर E1 के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये मीटा डायरेक्टर होगा, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो बस सिंपल एक एक्सेप्शन है, हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे पास जो है अर्थो पेरा डायरेक्टर है, लेकिन ये हमारे पास रिंग डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अर्थो पेरा सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और आप लोग अब कहेंगे कि ये क्यों एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर ये हमारे एक हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की पिनामिना होता है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद करें टेस्ट के लिए कि ये अर्थो पेरा डायरेक्टर लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर, इस कंसेप्ट को आप माइंड में रखते तो फिर टेस्ट में जिस तरह की MCQs आ जाए आप लोग इजली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।